मेरे अभिन्न साथी महेंद्रनाथ पांडे जी, हमारे मंत्रालय के सचिव, सभी मान्यवर अधिकारी और देश के सभी कोनों से आए हुए सभी जो डिपॉजिटरी को इंप्लीमेंट करेंगे, सो ऑल इंप्लीमेंटर्स हु आर हियर, आई वेलकम यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, बिकॉज दिस इज वी आर विटनेसिंग अ रियल चेंज इन द वे वी यूज टू फंक्शन एंड नाउ द वे वी विल फंक्शन, देयर विल बी अ मार्क डिफरेंस. मुझे हमेशा लगता है कि 21वीं सदी का सदी की जीवन शैली में क्या बदलाव है, क्या फर्क है. मूल्य में ही बदलते हैं. मूल्य इतिहास में भी जो थे, जो मानवता के मूल्य है, जो बंधुता के मूल्य है, एक दूसरे के प्रति संवेदना के मूल्य है, वो तो सदा कायम रहेंगे, वो बढ़ने चाहिए. लेकिन हमारे जीने के तरीके में बदलाव आता है, विज्ञान से, तंत्र ज्ञान से. इज इट हिंदी ओके और आई शुड स्विच टू इंग्लिश? ओके. इस देश में ये प्रश्न अभी पूछने पड़ रहा है. जितना ब्रिटिशों ने नहीं किया उतना हमने अंग्रेजी कर दिया. लेकिन सबकी मातृभाषा मैं बोलूंगा तो आप नहीं समझोगे. तो कितना बदलाव हुआ है हमारी जिंदगी में. मैं ऐसे याद कर रहा था, बचपन में हम कपड़े की थैली लेकर दुकान में जाते थे. धीरे से प्लास्टिक आ गया 40-50 साल में, तो प्लास्टिक के थैली में वो दुकानदार ही हमें सामान देने लगा और वो हम लेके आने लगे. वहां से अब जो लेटेस्ट है कि आप अभी जाओगे वापस ये कॉन्फ्रेंस के बाद और एयरपोर्ट पर उतर के अगर आप अमेज़न को आपका डाउनलोड है अगर ऐप, तो उसमें कितनी घर में चीजें चाहिए उसकी अगर लिस्ट दे दोगे तो आप घर पहुंचते पहुंचते सामान भी पहुंच जाएगा, तो पत्नी कितनी खुश होगी. तो जीवन को बहुत बदल दिया टेक्नोलॉजी. जब ग्राहम बेल ने पहले टेलीफोन का निर्माण किया तो अमेरिकन राष्ट्रपति को वो दिखाने के लिए ले गए कि देखो मैंने ये इंस्ट्रूमेंट निकाला है, कैसा है, कहीं भी दूर भी बात कर सकते हैं. तो उन्होंने देखा, उनको अच्छा लगा कि बोले ये तो बहुत उपयोगी चीज है, लेकिन बोलो आपका बिजनेस चलेगा कैसा, बोलने के लिए पैसा कौन देगा. That was a very genuine question. You just think of that time, कि बोलने के लिए थोड़ा ना पैसा होता है. लेकिन अब हमने समझने लगे कि बोलने के लिए कितना पैसा देती है, इतना पैसा दे रहे लोग, और अब रिलायंस जियो आने के बाद तो लोग मोबाइल पर ही बोलते रहेंगे ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर फ्री वॉइस है तो पूरा देश मोबाइल पे ही रहेगा. ये बदलाव है. रेलवे रिजर्वेशन के लिए कितनी यातायात होती थी, और ये हमने सब देखा है बदलाव. 20-25 साल पहले हम पहले रिटर्न रिजर्वेशन के लिए टेलीग्राम करते थे. हमारे यहाँ के लोकल रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां बुक करके वो ये करता था, टेलीग्राम हमें कॉपी मिलती थी, हम उस स्टेशन पे जाके कॉपी दिखाकर हमारे टिकट कलेक्ट करते थे. सो दैट वॉज टाइम. अब बैंकों में आपको पता भी नहीं होगा कि बीच में बैंक कर्मचारियों ने एक दिन की हड़ताल की. पहले अगर बैंक बंद होती थी तो कितना हल्ला गुल्ला मचता था कि सब ठप हो गया. अब कुछ भी ठप नहीं हो रहा है क्योंकि एटीएम है, ठप ही नहीं हो रहा है. तो थिंग्स आर चेंजिंग. रिचार्जिंग ऑफ आवर मोबाइल, यानी मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश के 100 करोड़ लोग प्रीपेड कार्ड से मोबाइल चला रहे हैं और 100 करोड़ लोग जाके इजीली रिचार्ज कूपन लेते हैं, 16 डिजिट का नंबर बताते हैं, फिर करते हैं और उनका रिचार्ज होता है. मनी ट्रांसफर का इतना आसान तरीका शायद ही कहीं हुआ होगा और सबने अडॉप्ट कर दिया.
जब चेंज अवर लाइफ, तो हर क्षेत्र में बदलाव आया और अब हम एकेडमी में कब तक वही वही सर्टिफिकेट देते रहेंगे और उसी तरीके से देंगे और उसी तरह से उसका ऑथेंटिकेशन करेंगे, उसका वेरिफिकेशन करते रहेंगे और उसमें चोर पुलिस का खेल हो गया ना शुरू अब तो तेज हो गए लोग। ये फेक सर्टिफिकेट का रो क्या है? द होल कॉन्ट्रोवर्सी अबाउट फेक सर्टिफिकेट इज पीपल वेर एबल टू मैनेज थ्रू टेक्नोलॉजी अगेन टू मैनिपुलेट द होल रिकॉर्ड। तो विदेश में जब यूनिवर्सिटी को भेजते हैं क्या कहते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन, कितना बड़ा लंबी प्रोसेस है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेके जाना पड़ता है, यानी टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी ऑफ योर वैलिड डॉक्यूमेंट हैज बिकम अ चैलेंज। एंड देयरफॉर व्हाट इज द आंसर? द आंसर लाइज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स आंसर एंड दैट इज पॉजिटिव। मैंने अधिकारियों की मीटिंग की, मैंने कहा हम अब डीमैट शेयर्स होकर कितने साल हो गए एनएसडीएल के लोगों के, 15 साल हो गए, 20 इयर्स। 20 साल अगर एक टेक्निक सफल हुआ है और डिजिटल डिपॉजिटरी ऑफ शेयर्स हो गया और डिमोनेटाइज हो गया, हमें एक दूसरे क्षेत्र में वही टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने को 20 साल क्यों लगता है? हमारा माइंड सेट नहीं बदला है इसलिए लगता है। वी नीड टू चेंज अवर माइंड सेट फास्ट एज द लाइफ इज चेंजिंग फास्ट एंड दिस शोज 20 इयर्स डिले इज अनएक्सेप्टेबल। क्यों? अच्छी चीज आई उसको तुरंत स्वीकार करो, दैट ऑथेंटिक केस that provides us transparency, that makes us life easy. लेकिन मुझे लगता है कभी कभी हमारे माइंड सेट में बदलाव नहीं है, इसलिए हम अगर वो पुराने तरीके से नहीं देखेंगे। अभी आपने एयरपोर्ट, आप हवाई जहाज में देखो कितने लोग किंडल से किताब कितना अच्छा पढ़ते हैं। अब हमारी आदत है बचपन से कि किताब ऐसा करके उसका जो एक गंध आता है उसका भी एक आनंद होता है तो उससे किताब पढ़ते हैं। लेकिन नए फॉर्मेट्स है, हमें स्वीकार करने चाहिए, लाइफ की गति को पकड़ना है तेज और उसके साथ चलना सीखना चाहिए। दैट इज द माइंडसेट चेंज व्हाट इज रिक्वायर्ड। इफ देयरफॉर एट द इनिशियल स्टेज आई विल से इफ यू आर रेडी टू चेंज योर माइंडसेट दिस प्रोग्राम विल बी सक्सेसफुल इन लेस देन 1 ईयर एंड इट विल बी ए ग्रैंड सक्सेस। सो दैट इज द रियल थिंग। वी हैव टू चेंज अवर माइंडसेट एंड मस्ट बिकम पार्ट ऑफ द चेंजिंग इंडिया, changing world actually. And therefore, this was one issue. Kapil Sibal ji jab shiksha mantri the, tab bahut 8-10 higher education reform mein 8-10 bills laye the. Main HRD committee ka member tha. Tab is par sab muddon par charcha hui. Kuch mein sahmati bani, kuch mein nahi bani, jo bhi tha. Ye ek parliamentary standing committee is a beautiful democratic exercise. क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी में सारे पार्टियां प्रोपोर्शनली रिप्रेजेंट होती है और वहां प्रेस नहीं होती है, इसलिए सब लोग जो मन में सही है वही बोलते हैं। आज भी प्रेस है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन ये इसलिए एक सहमति से हमने सारे रिपोर्ट बनाया। ऑस्कर फर्नांडिस जी अध्यक्ष थे, एक बिल था जिस पर सबकी 100% सहमति थी, दैट वाज डिजिटल डिपॉजिटरी बिल। क्योंकि इससे आसान अगर ये उसी समय हुआ होता तो फिर आज जो फेक सर्टिफिकेट के कॉन्ट्रोवर्सी चल रहे, लोग जेल में गए हैं, टॉपर ही फरार है, तो ये जो ये है ये बस का, यानी ये नहीं होता। और इसलिए हमें वी मस्ट एंश्योर दैट नाउ दो लेट वी हैव स्टार्टेड लेट बट लेट अस नाउ टेक अप अ चैलेंज दैट वी विल कंप्लीट द होल प्रोसेस इन रिकॉर्ड टाइम एंड वी विल लॉन्च एट एवरी पॉसिबल लेवल टू हैव डिजिटल डिपॉजिटरी ऑफ ऑल एकेडमिक अवार्ड्स। कितना आसान होगा, एक बार भरने का मुद्दा है, ढंग से भरने का मुद्दा है,
लेकिन एक बार वहां आकाश में गया तो रह गया वहां और दिखेगा, कभी भी मिलेगा, अनऑर्डर से रिलेटेड मिलेगा, कोई बदलाव नहीं कर सकेगा. एंड दे हैव प्रूवन देयर ट्रैक फॉर 20 इयर्स. देयर इज नॉट अ सिंगल कंप्लेंट अगेन इन दिस डील. आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंप्लेंट बिकॉज इट इज मेड एक्चुअली. उससे जो कुछ फ्रॉड होते थे या जो कुछ होता था वो सब खत्म हुआ. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटाइजेशन. एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी has launched Digital India campaign, and when he wants to make the whole apparatus Digital India, then this is the first digital application which higher education must address. And therefore, I don't know board के लोग आए हैं क्या? आए. तो board से अगर हम collect करते हैं सारे certificates और सारे उस process के तहत, process भी difficult नहीं है. आज दिन भर आप देखोगे, मैं मंत्रालय को अधिकारियों को बधाई इसलिए देता हूं कि उन्होंने सही मात्रा में वर्कशॉप रखा है. भाषणों का कार्यक्रम नहीं है, वर्कशॉप है. यू वर्क इट आउट और इसका एक्सचेंज फोरम भी चलाओ. यानी इस पर जो भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ आशंकाएं होंगे, एक लाइव फॉर्म ये चलाओ तो इमीडिएटली इट विल बी आंसर्ड. सो विद इन नेक्स्ट वन मंथ एवरीबडी मस्ट बी रेडी. एंड आप, दिस इज एक्चुअली ट्रेनर्स ट्रेनिंग. Then you will train at your organization, at your end, those who are actually involved and those who will put up, upload all the documents. And so can we make a एक संकल्प करने की जरूरत है. संकल्प यह है कि 2017 के डिग्री और बोर्ड सर्टिफिकेट से हम इसको शुरू करेंगे. आज भी जो है इससे भी शुरू करेंगे, लेकिन 2017 से हर डिग्री, हर सर्टिफिकेट, एवरीथिंग व्हाट वी गिव विल गो इन डिजिटल फॉर्मेट एंड दैट विल बिकम अ रियल डिजिटल डिपॉजिटरी, अ सक्सेस. वर्ल्ड विल एक्सेप्ट एंड एवरी स्टूडेंट विल ऑल्सो गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पुट हिज अदर अवार्ड्स ऑल्सो विच ही हैज वन अर्लियर आफ्टर प्रॉपर ऑथेंटिकेशन. दैट ऑल्सो यू कैन पुट इन. सो हिज होल प्रोफाइल with all academic awards and available at one click. तो ये हो सकता है. तो ये करने के लिए ये मीटिंग आज की इंप्लीमेंटर्स की बहुत जरूरी है. इसमें बहुत सारे इनिशिएटिव्स है. मुझे लगता है इस पर मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कोई उसका टेक्नोलॉजी तो हूं नहीं. लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि तीन चीजें जो मैं फिर रिपीट करूंगा, हमारे माइंड सेट को हमें तैयार करना है बदलाव के लिए. दुनिया में बदलाव गति से हो रहे हैं, हमारा मन उस गति से नहीं बदल रहा है. ये पहला प्रॉब्लम है, उसको पहले दूर करें. फिर उसके बाद जो तंत्र ज्ञान है उसको समझे, वो कठिन नहीं है. वो 20 साल से टेस्टेड, ट्राइड एंड ट्रस्टेड है. और इसलिए ट्राइड, टेस्टेड एंड ट्रस्टेड पर आपकी कुछ आशंकाएं होगी तो वो आशंकाएं अपने ज्ञान वर्धन के लिए है. उस सिस्टम पर सवाल उठाने का मुद्दा नहीं है, क्योंकि वो प्रूव्ड है. और उसके सहारे से एक नई ट्रांसपेरेंसी, एक नई ऑथेंटिसिटी, ये हम सारे सिस्टम में लाएंगे. मुझे लगता है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ रियल चेंज एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी इन आवर डे टू डे लाइफ, इन एकेडमिक फील्ड एंड इन आवर यूनिवर्सिटीज, इन आवर कॉलेजेस, इन आवर स्कूल्स. दैट इज द रियल मोटिव ऑफ दिस. And therefore, I welcome and declare this conference as open. Thank you.